For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. इस बार बिग बॉस होने वाला है बड़ा ही हॉरिफाइंग. यस, वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा. मैं हूँ ज्योति नाहक. बिग बॉस जो है वो इस बार बहुत ज्यादा हॉरिफाइंग होने वाला है और थीम इस बार की है हॉरर. जी हाँ, जिस तरीके से बिग बॉस का बज ऑफकोर्स बहुत ज्यादा होता है हर साल, इस बार घर को लेकर भी काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं. इस बार लोकेशन जो है वो लोनावला से हटकर गोरेगांव फिल्म सिटी कर दी गई है. यस, और इस बात के र्यूमर्स काफी टाइम से आ रहे थे लेकिन कन्फर्मेशन जो है वो अब आ चुकी है. और कन्फर्मेशन यही है कि बिग बॉस का इस बार का घर जो है वो होने वाला है गोरेगांव फिल्म सिटी में, ताकि सलमान खान का जो ट्रैवलिंग टाइम है वो बचे. ये भी एक रीजन है उसमें से. और साथ ही साथ ऑफकोर्स बिग बॉस के मेकर्स ने एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि हम हर बार कुछ बड़ा और नया करते हैं, 12 साल हो गए हमें एक ही जगह पर करते हुए, अब हम थोड़ा और एक्सपैंड करना चाहते हैं, थोड़ा यू नो एक्सप्लोर करना चाहते हैं न्यू चीज़ों को. तो उसके वजह से, काफ़ी रीजन के वजह से, बिग बॉस को लोनावला से हटाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया गया है. थीम इस बार हॉरर है, सारे सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स होने वाले हैं, नो कॉमनर्स थीम होने वाली है. उसके अलावा इस बार जो है बिग बॉस का जो घर है उसके जो स्पॉट बॉयज जो होते हैं, जो लोग घर बनाने में हेल्प कर रहे होते हैं, उनकी तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो चुकी है. बाय 29 सितंबर आई गेस जो है शुरू हो जाएगा बिग बॉस सीजन 13 इस साल का, और उसके बाद जनवरी तक शायद खींचेगा. यानी कि 3-3.5 महीने का ये जो सफर रहता है बिग बॉस के घर का, ये डेफिनेटली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग होने वाला है. और उसके बाद अगर मैं बात करूँ सलमान खान की, तो एज ऑलवेज सलमान खान इज गोइंग टू बी द होस्ट ऑफ दिस ईयर ऑल्सो, और हमेशा सलमान ही रहेंगे शायद. उसके अलावा दोस्तों इस बार भी चैनल जो है वो सलमान को खोना बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए चैनल जो है वो सलमान को पर एपिसोड एटलीस्ट 40-41 करोड़ का बम्पर बजट दे रहा है. यस, यानी कि डेफिनेटली सलमान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बिग बॉस के लिए, ये तो बिग बॉस ने जाहिर कर ही दिया है. लेकिन आप लोग और क्या क्या जानना चाहते हो, ऐसी सारी अपडेट्स बिग बॉस की लेकर आती रहूंगी, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूले. दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.